हेलो टू ऑल फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं दोबारा बच्चों के फिटनेस को लेके बना रहा हूँ। पिछला वीडियो भी मैंने सेम पोस्ट किया था। बच्चों के फिटनेस को लेके बहुत बड़ा आजकल एक प्रॉब्लम हो रही है कि किसी ना किसी कारण हम लोग ये डरते हैं कि बच्चों को घर से बाहर भेजें या ना भेजें, क्योंकि बाहर का एटमोसफियर ज़्यादा अच्छा नहीं है, बच्चे सेफ़ नहीं हैं, ये हम फील करते हैं। ऐसा नहीं कि सब जगह पर बच्चे अनसेफ़ हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारी मतलब सोच यही है कि बच्चों को बाहर भेजें तो पता नहीं क्या उनके साथ ठीक होगा या गलत होगा। ये आपका सोचना बिल्कुल ठीक है। इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर बच्चा बाहर नहीं जा रहा तो वो घर में रह कर भी फिटनेस कर सकता है। अगर वो फिटनेस नहीं कर रहा है तो खाना तो उतना ही खा रहा है, अगर वो खाना उतना खा रहा है तो कैलोरीज उसमें पुट ऑन होती जा रही हैं, ऐड ऑन होती जा रही हैं, तो उससे क्या होता है, बच्चा ओबेस हो जाता है, वेट बढ़ जाता है और आगे जाके बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसकी हेल्थ में आ जाती हैं, जैसे रनिंग, जंपिंग, वॉकिंग, जो बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट्स हैं उसमें चेंजेस आने लग जाते हैं। तो ओबेसिटी बीमारियों का घर है, मोटापा बीमारियों का घर है। इम्पॉर्टेंट यही है कि अगर आप घर में रह के बच्चों को, लेट्स से कि आपका जो घर फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे है, तो बच्चों को आप कह सकते हो कि दिन में उनको 3 या 4 दफ़ा स्टेयर्स नीचे से ऊपर चढ़नी है और नीचे उतरनी है, बट ध्यान रहे कि वो स्टेयर्स पे केयरफुली उतरे और केयरफुली चढ़े। ऐसा वो दिन में 2-3 दफ़ा कर सकते हैं, जिससे कि आप स्टेयर्स अप करते हैं तो आप डबल कैलोरीज बर्न करते हैं, नॉर्मल वॉकिंग या नॉर्मल जॉगिंग से डबल कैलोरीज बर्न करते हैं आप। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है कि स्टेयर्स पे बच्चे कुछ ना कुछ वर्कआउट कर सकते हैं। डबल स्टेयर्स पे वो चल सकते हैं, क्लाइंब कर सकते हैं, सिंगल स्टेयर रन कर सकते हैं, डबल पे सिंपल विदाउट रनिंग क्लाइंब कर सकते हैं, सिंगल स्टेयर स्टेप डाउन करें, 3 स्टेयर्स का सिंपल लंबा स्टेप लेके उसको क्लाइंब कर सकते हैं, बट बिना भागे हुए सेफ रह के साइड की जो रेलिंग होती है, ग्रिल होती है, उसको पकड़कर सपोर्ट लेकर उतरें और चढ़ें। सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि आप बच्चों को बोल तो देते हैं कि बच्चा शैतान होता है और वो शैतानी कर बैठता है और चांसेस ये रहते हैं कि वो स्टेयर से स्लिप हो जाए। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप जब ऐसा कुछ वर्कआउट बच्चों को बोलें तो आप उस टाइम वहाँ साथ रहें या बच्चों को पूरा गाइडेंस करें। आप ध्यान रखें, बच्चों को बताएं कि बेटा आपको ऐसे करना है, ताकि सेफ वो बच्चा रहे और एक्सरसाइज को प्रॉपरली करे। नेक्स्ट वीडियोस में मैं दोबारा बच्चों के लिए कुछ ना कुछ दोबारा लेके आऊँगा। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद है इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।